श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सच पर। 6 अप्रैल दिन गुरुवार को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करने का विधान है। इस दिन हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को न सिर्फ हनुमत कृपा प्राप्त होती है बल्कि श्री राम का आशीर्वाद भी मिलता है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली अपने भक्तों का सभी दुख दूर कर देते हैं, उनके संकटों का नाश कर देते हैं और अपने भक्तों का जीवन अपार खुशियों और सौभाग्य एवं समृद्धि से भर देते हैं। थे हनुमान जी हर बुरी शक्ति का नाश कर हर काम में आगे बढ़ने में सहायता करने वाले हैं। शास्त्रों में उल्लेख दिया है कि हनुमान जी अजरमर है और आज भी अपने अनुयायियों और भक्तों की यथायोग्य सहायता करते हैं। वर्तमान में हनुमान जी की पूजा शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ विशेष लाभदायक टोटके या उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपाय को करने से जातक की मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है लेकिन भक्त को तो किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं और भक्त लाभ की चिंता नहीं करता है। हनुमान जी का नाम ही उसके लिए मंत्र, चालीसा और पूजा है। फिर भी जो कोई भक्त यदि संकट में हो और उसे हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना हो तो हनुमान जयंती की सुबह स्नान आदि करने के बाद हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल से चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाते समय शुद्ध घी का दीपक जलते रहना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा पर गुलाब की माला पहनाएं। बाद में इस माला में से एक गुलाब का फूल निकालकर अपनी तिजोरी में रख लें, इससे धन लाभ के योग बन सकते हैं। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है या धन से जुड़ी समस्याएं अक्सर होती रहती हैं, तो हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें चोला अर्पित कीजिए। धन प्राप्ति के योग को बनाने के लिए 11 पीपल के पत्ते लीजिए और उन्हें गंगाजल से साफ कर लीजिए। फिर इन पत्तों पर श्री राम लिख कर भगवान हनुमान के सामने चढ़ा दीजिए। अगर आप कर्ज को लेकर परेशान हैं, तो हनुमान जयंती के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति पर लेपित करें। अपनी उम्र के हिसाब से पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर इसे हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपका कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ है तो हनुमान जयंती के दिन सुबह स्नान करके हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करें और अपने मन में कार्य को पूर्ण होने की कामना हनुमान जी से करें। ऐसा करने से आपका कार्य जल्द ही संपन्न होगा। अच्छी सेहत के लिए ये उपाय करें। बेहतर स्वास्थ्य या बीमारी ठीक करने के लिए हनुमान जी की पहाड़ उठाई हुई प्रतिमा का अभिषेक शुद्ध जल से करें। अभिषेक करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ये अभिषेक करते रहें। बाद में ये जल बीमार व्यक्ति को पिलाते रहें। इससे बीमारी दूर होगी और सेहत में भी सुधार दिखाई देने लगेगा। घर में सुख समृद्धि के लिए हनुमान जयंती पर घर में विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। चूरमे या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद घर की छत पर लाल रंग का ध्वज यानी झंडा लगाएं। ध्वज लगाने से पहले इसकी पूजा भी करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और किसी तरह की बुरी शक्ति का असर भी घर में नहीं होगा। नौकरी के लिए ये उपाय करें। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पर सुबह स्नान आदि करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें और रुद्राक्ष की माला से वहां हनुमते नम मंत्र का जाप कम से कम 1008 बार करें। ऐसा करने से ये माला सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद जब भी आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो ये माला साथ में ले जाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। हनुमान जयंती के दिन आप बजरंगबली की पूजा आराधना करके कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अगर आप इस दिन हनुमान मंदिर जाकर भगवान के सम्मुख घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी।
हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसलिए संकटों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली को सिंदूर का चोला चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। इससे बजरंगबली प्रसन्न होकर आरोग्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इससे शनि की नजर भी दूर होती है। पीपल के पत्ते की माला चढ़ाएं। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को गुलाब की माला चढ़ाएं। इस दिन 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर इसकी माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष दूर होता है। नारियल के ये उपाय करें। हनुमान जयंती के दिन नारियल लेकर हनुमान मंदिर जाएं और उसे अपने ऊपर से 7 बार वारते हुए हनुमान जी के सामने फोड़ दें। ज्योतिष के अनुसार इस उपाय को करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान जयंती के दिन बिल्कुल भी नहीं करें ये कार्य। हनुमान जयंती के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी का ध्यान करें, इसके साथ ही दिन भर बिल्कुल भी न सोएं। इस दिन मांसमदिरा से दूरी बनाने के साथ ही हर किसी से अच्छा व्यवहार करें। यदि आपके घर में हनुमान जी की खंडित मूर्ति या तस्वीर है तो तुरंत ही खंडित मूर्ति को आदर सत्कार के साथ पानी में प्रवाहित कर दें। कभी भी खंडित यो टूटी प्रतिमा या तस्वीर की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा का फल नहीं मिलता है। भगवान हनुमान जी की पूजा करते समय लाल, भगवा या फिर पीले रंग के ही वस्त्र पहनने चाहिए। कभी भी सफेद या फिर काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा में न बैठें। यदि आपके घर परिवार में किसी का देहांत हो गया है और सूतक चल रहा है तो हनुमान जयंती के दिन व्रत या फिर पूजा नहीं करना करें। इसके साथ ही मंदिर भी न जाएं, क्योंकि सूतक के समय आप अशुद्ध होते हैं, इसलिए 13 दिनों तक किसी भी पूजा पाठ पर हिस्सा न लें। भगवान हनुमान जी को कभी भी चरणामृत का भोग न लगाएं, इससे वह रुष्ट हो जाते हैं। इसके बदले आप चने की दाल, गुड़ के अलावा बूंदी के लड्डू, इमरती आदि का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए अगर कोई महिला इस दिन भगवान हनुमान की पूजा कर रही है तो उन्हें स्पर्श न करें, दूर से ही पूजा पाठ कर लें।